होने जा रहा है क्योंकि ये पूरे विश्व में फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है और इस जगह को कहते हैं डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज। इस खूबसूरत और अनोखे ब्रिज को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 200 से 500 साल लगे हैं। इस ब्रिज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इस पुल को एक बात और भी खास बनाती है कि इसे बनाने में एक भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस पुल तक पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का ट्रैकिंग करना होगा और 3500 से लगभग 4000 सीढ़ियां आपको नीचे उतरनी होंगी और वापस लौटने के लिए आपको इतनी ही सीढ़ियां ऊपर भी चढ़नी होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है इस पुल तक ना जाए। आलई, इसका मतलब है मेघों का घर मेघालय। दोस्तों, आज मैं आपको मेघालय के 5 सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों आपको मेघालय, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि भारत की बहुत, आप सोचिए, पर्यटक स्थल है, बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है, वहाँ के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। और मैं जो इसमें अपने वीडियो में लगाऊंगी वह सिल्की, उनका चैनल है, वो साहू भाई का मैंने कवर किया है, उसको मैं लगाऊंगी। उन्होंने डिटेल मेघालय में 5 जगह का वर्णन डिटेल किया है कि कब जाना चाहिए, फरवरी से लेकर सितंबर से फरवरी तक के बीच में जाना चाहिए, जिससे कि बारिश के टाइम में नदियों में उफान रहता है और आदमी का खतरा बना रहता है, और रास्ते भी इतने बारिश होते हैं, वो तो बहुत बारिश वाला जगह है, तो बारिश होते हैं तो रास्ता भी बहुत नैरो है, टूट जाता है, जिससे कि पर्यटक का जाने में सेफ्टी नहीं रहता है, तो इसीलिए इस टाइम जाने से अच्छा सही रहता है। मेघालय भारत के विभिन्न संस्कृति, त्योहारों, जनजातियों, भोजन, वनस्पति और जीवों के रोमांच खोजने के लिए आदर्श स्थान है। मेघालय के रास्ता शिलोंग के रास्ता में जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो क्या बोलते हैं ये फ्रूट्स जो है, अनानास, बहुत टेस्टी, मीठा और बहुत जूसी मिल रहा था। जैसे आपका बॉम्बे साइड में स्ट्रॉबेरी मिलता है, स्ट्रॉबेरी तो खैर हर जगह आजकल मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत जूसी अनानास मिलता है। तो इस तरह करके वहाँ पर बहुत तरह के, मेघालय में जितना पहाड़ी जंगली फ्रूट्स है ना, बहुत मिलते हैं। अब बोलिए, अब प्रकृति का भंडार है, इधर से पानी झरना है, इधर से पहाड़, इधर से ग्रीनरी, हरियाली है, नेचुरल ब्यूटी है, जो अगर अभी तक उजड़ा नहीं है, कभी तक विरासत में सजोया हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मेघालय किसको बोलते हैं, मेघों का घर, बादलों के घर को मेघालय कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ घूमने के लिए जो है वाइस झील एक कृत्रिम झील है, जिसका नाम आसाम के मुख्य आयुक्त विलियम वाइट के नाम से रखा गया, यह शिलोंग के दिल में है। इसके अलावा नोटियांग मोनियल्स केंद्र है, यह शिलोंग से केवल 65 किलोमीटर, जोवाई से 24 किलोमीटर दूर है। युद्ध के समय उपयोग किए जाने वाले ठिकाने जोवाई के स्थित है, जिन्हें सिंदई गुफा भी कहते हैं, वहां भी है। क्या क्या चीज आप जाइएगा तो वहां पर घूम सकते हैं। एक तो आपका वाइस झील है जो कृत्रिम झील बोलते हैं, उसको बनाया गया है वहां पर। इसके अलावा जो है नोटियांग मोनोलिथ्स केंद्र भी है, जो शिलोंग से केवल 65 किलोमीटर, जोवाई से
24 किलोमीटर दूर है, थोड़ा इंटीरियर में है। और युद्ध के समय जो रहने के लिए ठिकाना बनाया जाता है, कोई भी युद्ध के समय में, पहले तो जनजाति में युद्ध होता था, उसके लिए गुफा जो है सिंदई गुफा है, वो भी आप देख सकते हैं वहां जाके। वहां जाने से पहले आपको क्या है कि कुछ नॉलेज लेके अगर मेघालय आप जाते हैं तो आपका क्या होगा, आप जो आप टूरिस्ट गाइड को पकड़ेंगे वो आपको धोखा नहीं देगा, आपको सिर्फ उसको बताना है, टैक्सी लेना है और बताना है कि मुझे ये घुमाना है, ये जगह जाना है। और आप सबसे पहले तो मेघालय जाने का, कहीं पहले सबसे पहले रहने का, या तो ट्रिप में जो आजकल होता है उसमें जा सकते हैं, तो उसमें तो आपको पक्का पता होगा कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा, इटनरी देगा आपको। अगर इटनरी नहीं है तो आप ऐसे करके पूरा डिटेल लिख के ले लीजिए कि कहाँ कहाँ जाना है। जैसे कृत्रिम झील है, वाइस झील घूम सकते हैं, नोटियांग मोनोलिथ्स के अंदर घूम सकते हैं, सिंदई गुफा घूम सकते हैं, चेरापूंजी घूम सकते हैं। जब सबसे भारी बारिश प्राप्त करने वाला यह प्रसिद्ध, ये मेघालय का उच्चतम बिंदु है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है। इसके बाद चेरापूंजी का एक मांगलिक ट्रैक देख सकते हैं, रिचर कैनियन चेरापूंजी का, जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, वो देख सकते हैं। शिलोंग सिटी एरिया में गोल्डन आर्चरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। उमियम झील, नौका बिहार भी आप कर सकते हैं, जिसमें बोटिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग मेघालय का एक जरूरी गतिविधि है, वो सबसे अच्छा पर्यटक आकर्षण है, लोगों के भारत के इस राज्य में ले जाता है, लोगों को भारत के इस राज्य में ले। ट्रैकिंग जो होता है, ट्रैकिंग जो सीढ़ियों से चल चल के एक ऐसा इन लोग का पुल बनाया गया है जो कि कोई भी स्टील का किसी चीज का उपयोग नहीं किया है, पूरा नेचुरल बांस, उस वहाँ की जितना जंगल की जो है जितनी जड़ें वगैरह का सब का प्रयोग करके बहुत लंबा एक पुल बनाया गया है जो प्रसिद्ध, जिसमें ट्रैकिंग करके आप जा सकते हैं। जो आदमी बीमार है या कमजोर है या बच्चे हैं वो लोग नहीं जाए, जो आप कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छा दूर पड़ता है तो उसमें वही जाएं जो कि सामर्थ्यवान है, आप लोग जा सकते हैं। चेरापूंजी में आप डेनथलैन फॉल्स देख सकते हैं, क्रैम फाइलुट देख सकते हैं, डायपैम वैली देख सकते हैं, मोजामी गुफा को यात्रा कर सकते हैं। एक गुफा में मैं गई थी चेरापूंजी में, जिसमें ऐसे ऐसे करके पत्थर निकला हुआ था और बहुत झुक के जाना पड़ता है, उससे पानी टपक रहा था। और उधर सबसे बड़ी बात है कि उधर जो खाना है ना, आपको अगर वेजिटेरियन है तो बहुत ही मुश्किल है, वहां पर वेजिटेरियन है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर फिर आपको ले के जाना पड़ेगा। वहां पर एक गुफा है उसी में जो पानी टपकते रहता है उस समय। लिविंग रूट ब्रिज आप मेघालय का पर्यटक का मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, वही रूट पर आप जो जाते हैं। सूरत झरना, जिसे नौ कालिकाई कहते हैं, तो आइए जानते हैं इस झरने के इतिहास को। भारत का यह सबसे खूबसूरत और ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। वास्तव में नौ कालिकाई वाटरफॉल के नाम के पीछे एक दुख भरी कहानी है। इस वाटरफॉल का नाम नौ कालिकाई नाम की एक महिला के नाम पर रखा गया है। उस महिला ने इस वाटरफॉल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिस कारण इस वाटरफॉल का नाम नौ कालिकाई पड़ा। लिविंग रूट ब्रिज का रहस्य है, लंबी पैदल यात्रा आपको अपने प्रकृति के साथ, पहाड़ियों के प्रकृति पहाड़ियों में चल के उसमें आपको जाना है। वो अच्छा दूर है थोड़ा, लेकिन थोड़ा मजेदार है। एलिफेंट फॉल्स भी है, वो भी हमने देखा है, मैंने खुद वह एक्सप्लोर किया है। वो जो हाथी के जैसे एक चट्टान है, उसमें उस पर से पानी गिरता है। 1897 में एक भूकंप में नष्ट हो गया था। वो थ्री स्टेप वाटरफॉल भी कहा जाता है एलिफेंट फॉल्स को।
जयंतिया पहाड़ी जैसे जोवाई मेरेटू नदी को देखने के लिए जाया जा सकता है। एक नुआ पर तो नदी ही है, ऊपर से पानी गिरता है, इधर नदी उधर नदी, हर जगह नदी ही नदी है। इस तरह करके वहां पर आपको बहुत सारा नेचुरल, अगर ब्यूटी किसी को देखना है तो वो चले जाए वहां पर। मेघालय ही बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर आप नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं है। कहीं आप देखिए, आप उसको वो अलग अलग जगह भी जा सकते हैं, आप आसाम से भी जा सकते हैं। हमने आसाम, मैं आसाम से गई थी, आसाम से शिलोंग गई थी। शिलोंग में आप रुक सकते हैं, शिलोंग अच्छा मॉडर्न जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद वहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। वहाँ से मैं चेरापूंजी गई, वहाँ से मैं एलिफेंट फॉल, हर जगह गई। एक खाली वो जो बोटिंग नहीं किया। तो इस तरह आप लोग भी जाइए और आनंद उठाइए, बहुत खूबसूरत सा जगह है, बिल्कुल कूल शांति लगेगा। आप शहरों के, शहर के भागादौड़ी से दूर कभी आप जाइए। साल में भी आप 6 महीने में भी अगर एक बार चले जाएंगे तो आपको फिर रिफ्रेश होके आप नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूअस काम करने, बोर होने के बजाय घूम फिर के अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, फिर नए ऊर्जा के साथ अपने काम में लगे रहिए, जो आपकी काम करने की क्षमता है डबल रहेगी। इसीलिए किसी चीज को पजल होके मत कीजिए, खुश रहिए और खुश होके कीजिए। तो ये मेघालय जो आपको खुश कर देगा, आप घूम के आइए, जरूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। और खाने पीने में नॉन वेजिटेरियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन को प्रॉब्लम है, इसीलिए वेजिटेरियन कुछ आप बना के भी ले जा सकते हैं। मेघालय के एक बहुत ही खूबसूरत और साफ नदी है जिसे डॉकी रिवर कहते हैं। इस नदी में दूर दूर से लोग सेल्फी लेने के लिए आया करते हैं। ये रिवर बहुत ही खास है क्योंकि इस नदी को विश्व के बहुत ही साफ नदियों में से एक माना जाता है। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है मानो आप कांच पर नाव चला रहे हैं। इस नदी का नाम उमंग गोत है, पर यह डॉकी रिवर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। यह नदी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। यहाँ एक और बांग्लादेश का बॉर्डर है और दूसरी और भारत है। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर टू फरवरी है, क्योंकि जाड़े के दिनों में यहाँ नदी का पानी बहुत ही साफ और क्रिस्टल क्लियर होता है। बारिश के दिनों में यहाँ नदी का पानी मटमैला और गंदा हो जाता है। लगभग 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित एलिफेंट वाटरफॉल, इस वाटरफॉल का नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि यहां हाथी के आकार का एक बहुत बड़ा सा चट्टान था जो कि बाद में भूकंप से टूट गया। दोस्तों, ये झरना 3 चरणों में बहता है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने के लिए यह स्थान बहुत ही अच्छा है, जहां आप अपने यादगार पलों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, जो मेघालय का भाई का भी वीडियो, जो उन्होंने डिटेल बताया है मेघालय के बारे में कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो अच्छा लगे तो आप जाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, और बेल आइकॉन दबाने से मेरा लिंक आपके पास जाएगा, चैनल लिंक। इसके बाद फिर जो भी मैं नया बनाऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जाएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।